Hi, good evening everybody. This is Dr. V. T. Shah from S.L. Raheja Hospital, Mahim, Mumbai. मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जहाँ पे हम लोग रोज एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं और हार्ट अटैक के पेशेंट देखते हैं। अब हार्ट अटैक का इलाज करने के बाद या एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करने के बाद हर एक पेशेंट का यही सवाल रहता है कि साहब अब क्या किया जाए, ये दोबारा तो नहीं होगा, इसको दोबारा आने के लिए कैसे टाला जाए। हमारा जवाब यह है, एक बार यदि अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई तो दोबारा तो होना ही है, सवाल यह है कब होगा। पहले से ज्यादा सीवियर होगा, पहले से ज्यादा तकलीफ वाली बात होगी, ये सब सवालों का जवाब तो हम देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, एक बार अगर तकलीफ हो गई तो इसका मतलब है कभी ना कभी आपको दूसरा तो होना ही है। अगर वो दूसरा हार्ट अटैक आपको टालना है, यू वॉन्ट टू प्रिवेंट दैट सेकेंड हार्ट अटैक और सेकेंड एपिसोड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, तो फिर उसके लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत है, बोथ इन योर लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशंस। ये नहीं है कि भाई आपने एंजियोप्लास्टी करवा लिया, बाईपास करवा लिया और ये वन टाइम सॉल्यूशन हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आगे आपका बैटल बहुत लंबा है, आपका युद्ध जो है इस बीमारी के साथ में अभी शुरुआत हुई है, इस पहले अटैक से या इस पहले एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से। अगर इसको आपको जीतना है तो फिर आपको इससे बड़ी डिसिप्लिन से और धीरे धीरे, ये नहीं है कि भाई हाँ चलो साहब एक बार बाईपास करवा लो, चलो जाने दो, जान निकालो इसमें से, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे, वैसा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे, दवाई गोली नहीं रहा बराबर किया आपने, फॉलो अप नहीं किया डॉक्टर लोगों के साथ में, तो फिर ये तो दोबारा होना है। वो कब होगा पता नहीं है, 6 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 5 साल भी नहीं होगा, 10 साल भी नहीं होगा। ऐसे कई पेशेंट है मेरे पास जो आज 25 साल से मेरे पास आ रहे हैं, 30 साल से आ रहे हैं और दोबारा अटैक नहीं आया है। तो ये इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है, पहले आपका लाइफस्टाइल, उसको सुधारो, जहाँ पे गलती हो गई है उसको आप सुधारिए, वो दोबारा नहीं होना चाहिए, उसकी असर साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स बॉडी पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, तंबाकू है, भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ, छुओ ही मत उसको, पैसिव स्मोकिंग भी मत करो, उससे भी लंबा रहो। अगर आपको डायबिटीज है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए शुगर का, आप खुद ब खुद कर सकते हो घर में बैठ के, ग्लूकोज के ग्लूकोमीटर जो हम बोलते हैं उससे कर सकते हो। ब्लड प्रेशर अगर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, एक ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जाके आप घर पे बैठ के उसका रिकॉर्ड रख सको, फिर डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सको। और आजकल तो कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, जो आप घर में बैठ के कर सकते हो। ओवरवेट है, वजन ज़्यादा है, एक वजन का कांटा ले लो, करो उस पर, आप करेंगे तो पता चलेगा मेरा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ये नहीं है कि 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाओ तब एक बार उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या शुगर चेक करते हैं या वजन चेक करते हैं, फिर बोलते हैं अरे, और क्या होता है कि फिर हिम्मत हारते हैं, अरे मेरा तो वजन कभी कम नहीं होगा, जाने दो साहब, मेरा शुगर कभी भी कम नहीं हो, जो होगा वो होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सो एक लाइफस्टाइल है, एक मेंटल एटीट्यूड है आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, भाई मुझे जीतना है, लड़ना है इससे। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको फॉलो कीजिए, डाइट में चेंजेस है वो डाइट आप सुधारिए,
अब वेट रिडक्शन करना है तो कैलोरी का हिसाब रखिए, शुगर डायबिटीज है तो शुगर का हिसाब रखिए, ब्लड प्रेशर है तो नमक का कीजिए, ये तो सब आपको करना है, डॉक्टर आपके लिए। हाँ, हमारे पास कई बार लोग आते हैं बोलते हैं साहब ये सब छोड़ो, परहेज विरेज करना, आप दवाई गोली लिखो, दो गोली ज्यादा लिखो वो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा खाना बदल नहीं सकता हूं। चलने की बात आती है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी बोलते साहब एक काम करो आप 2 किलोमीटर ज्यादा चलो मेरे लिए, मैं घर पे बैठा रहूं, हो सकता है ये, दूसरा कैसे कर सकते हैं आपका काम? एक्सरसाइज तो आपको ही करना है ना, वॉकिंग आप ही करेंगे, रनिंग आप ही करेंगे, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, अरे कुछ नहीं है तो स्टेयरकेस चढ़ो ना आप। लॉकडाउन में कई लोग आते साहब बाहर घूमने का मना किया है, तो सीढ़ी है कि नहीं आपके घर में, तो सीढ़ी चढ़ो, 20 सीढ़ी चढ़ो सुबह और शाम में, चढ़ो और उतरो, उतना अगर आप करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा दिन के एक्सरसाइज के लिए। नहीं तो फिर आजकल जो घड़ी आती है ना आईफोन की वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें 10,000 स्टेप्स आप गिन सकते हो, करो 10,000 चलो बस सुबह से शाम तक पूरा, आपका काम के साथ में ऑफिस पे जाते वक्त सीढ़ी चढ़ते वक्त सब गिन के 10,000 होना चाहिए, अगर उतना आपने कर लिया तो रोज का एक्सरसाइज आपका हो गया। तो कई तरीके हैं, बहाना मत बनाओ, बहाना बनाने के भी बहुत तरीके हैं। तो ये रही लाइफस्टाइल की बात, फिर रही दवाई गोली की बात। अब जैसे मैंने कहा कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं कि जो सेकंड और थर्ड अटैक आने से रोकता है। अब वो गोली लिख के दो तो बोलते सर ये तो ब्लड प्रेशर की गोली दी आपने, मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। कंसेप्ट ये नहीं है, हमारा कंसेप्ट और फंडा ये है कि जिसका ब्लड प्रेशर 100 पे चलता है उसका हार्ट, उस हार्ट को कम लोड गिरता है, अगर उसका हार्ट 130 ब्लड प्रेशर पे चलता है तो 30 मिलीमीटर का लोड ज्यादा, मतलब जो पानी चढ़ाने वाला इंजन है बिल्डिंग में उसको 4 माला और पानी चढ़ाना पड़ेगा अगर वो 130-140 है तो, नॉर्मल तो 90 पे भी चल सकता है, 130 बोले तो 4 माला ज्यादा हो गया, और 160 है तो 6 माला ज्यादा, अब तो तुम्हारा इंजन जल्दी फेल हो जाएगा ना फिर, तो समझो इसको। और वही बात है पल्स रेट की, जिसको हम पल्स बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, नब्ज बोलते हैं, अगर वो 90, 100, 110 से चलता है उसका लाइफ ही लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा जल्दी, अगर वो 50 और 60 के बीच में चलता है तो उसकी लाइफ ज्यादा है। तो दवाई गोली खाइए, कोलेस्ट्रॉल 50 के नीचे रखो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब लोग बोलते हैं सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है 110 चाहिए, हमारा तो 120 है, 106 है। वो क्या लिखा है वो नॉर्मल आदमी के लिए, जिसको हार्ट अटैक आया उसके लिए नहीं है, वहां पे ये नहीं लिखा है कि ये फर्स्ट हार्ट अटैक वाले के लिए इतना है, सेकंड के लिए इतना है, थर्ड के लिए इतना है, वो डॉक्टर से जाके पूछना पड़ता है। और उसके लिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल 50 से कम होना चाहिए, तो उसके लिए काफी दवाई गोली। अच्छा वो कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते एक बार 50 आ जाता है फिर बोलते बंद कर दिया मैंने, क्यों? आपने बोला था ना 50 आ गया, 50 आया बंद कर दिया, वापस 110 हो गया। वो 50 लाइफ लॉन्ग रखना है ताकि वो दोबारा नहीं हो जाए। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कोई 55 बोलता है, कोई 50 बोलता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स तो 40 बोलता है, 40 के नीचे बैड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। बाकी के कोलेस्ट्रॉल को छोड़ो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शुगर भी, शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, वो 3 महीने का एवरेज आता है वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाने के पहले 4 दिन खाली पेट रहते हैं, सब बंद कर देते हैं और अच्छा सा रिपोर्ट लेके आते हैं, लेकिन उसका 3 महीने का ग्लूकोज करो तो पता चलता है कि एकदम ज्यादा है, फिर समझता है ये चोरी की आपने, वो डॉक्टर को फंसाने के लिए आप तैयार हो, आप डॉक्टर नहीं फंस रहे आप ही खुद फंस रहे हो। ब्लड प्रेशर का चार्ट है, ब्लड प्रेशर का चार्ट भी ऐसे ही मैनिपुलेट करके लेके आते हैं, किसकी बुराई होती है उसमें, डॉक्टर की या पेशेंट की? तो ये सारी दवाई गोलियां कोलेस्ट्रॉल कम करने की, ज्यादा हो या कम हो ये मत बोलो, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका 50 के नीचे रखो, ब्लड प्रेशर आपका 100-110 रखो, शुगर आपका 3 महीने का एवरेज है वो 6.5 के नीचे रखो, वजन करो आप, आपका बॉडी मास इंडेक्स देखो या वजन देखो या कमर देखो, आप कमर कितनी है आपकी, 90 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा है तो समझ लो कि आप ओवरवेट हो। ये कई तरीके हैं, कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेशेंट्स हैं जो 30 साल से मेरे पास आ रहे हैं और सेकंड अटैक नहीं आया, लेकिन होता क्या है
पहला एक साल, पहले दो साल एंजियोप्लास्टी बाईपास के बाद स्ट्रिक्ट एकदम, मैंने तेल खाना छोड़ दिया, नमक खाना छोड़ दिया, फलाना ढिकना सब छोड़ दिया, दो साल के बाद बोलो उसी आदमी को पूछा, अरे ये डॉक्टर लोग तो बोलते रहते हैं कुछ नहीं होता है, खाओ मस्त रहो, सब कुछ खाओ पियो, दवाई गोली ये सब छोड़ो इसकी बात, या तो फिर कहीं योगा सेंटर में चले जाते हैं, कहीं और दूसरे सेंटर में चले जाते हैं जहाँ पैसा लेके बोलते हैं ये सब जरूरत नहीं है, और फिर खुद फंसते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो यही मेरे आप लोगों से कहना है कि अगर आपको सेकंड अटैक दोबारा अवॉइड करना है तो आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डिसिप्लिन लाइफ रखिए। ये नहीं है कि आप लीजिए खाना आपका लीजिए, आप फिक्स कर दीजिए कि मुझे ये खाना है, आपको दो मिठाई खाना है रोज, दो मिठाई खा लो, एक दिन खाया, तीन महीने नहीं खाया, छः महीने खाया, ये सब चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग आपकी दवाई गोली एडजस्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखो, स्ट्रिक्ट आपका डाइट रखो, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रखो, और दवाई गोली बराबर रहो, और फॉलोअप रखो डॉक्टर के साथ, आपका डॉक्टर आपको बराबर सलाह देगा। थैंक यू वेरी मच।